मत्स्य पालन स्वरोजगार का एक अहम जरिया हो सकता है। मत्स्य पालकों को किसानों की श्रेणी में रखा गया है और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं दी गई हैं। शुक्रवार को हरिद्वार के मंगलौर में मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार मछली की पैदावार बढ़ाने और मार्केटिंग के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने यहां मत्स्य बाजार मंडी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आए मछली उत्पादकों को मछलियों की बेहतर प्रजातियों की जानकारी दी गई। रेखा आर्य ने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन के जरिए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। निश्चित रूप से ये फेडरेशन और मत्स्य पालकों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। उनको अच्छी कीमत अपने मछली की उन्हें प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा सरकार लगातार उनको किस प्रकार से उनके पॉन्ड्स में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें उपलब्ध करा रही है, चाहे वो सौर ऊर्जा के संदर्भ में हो, चाहे उनके ऑक्सीजन जनरेटर के संदर्भ में हो, चाहे उनके पॉन्ड्स को सुधारीकरण के संदर्भ में हो। लगातार जो है सरकार उनके साथ में समन्वय बनाते हुए उस दिशा में काम कर रही है।